affection, tenderness, yan, mga kaibigan. Based on a real case, and the girl dies, she's killed by her family. So this is the part I'm playing. So मेरे लिए वो बड़ा difficult हो गया कि जैसे कि मेरी जान के दुश्मन हैं लोग and eventually I lose my life. तो मतलब it was actually a bit depressing to do this character and मतलब it really hurts to think कि somebody has actually gone through this. उनकी ख्वाहिशात को कुचल देते हो. उनकी सोचों में मिट्टी डाल देते हो, जिंदा दफन कर देते हो, जिंदा दफन कर देते हो। अस्मा जहांगीर एक ऐसा करैक्टर है हमारी सोसाइटी का जिनको बहुत सारी फीमेल आइडियलाइज करती हैं, तो उस एक इमेज को बरकरार रखना ऑडियंस के सामने, डैट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी। अच्छा, थिएटर मैंने पहले कभी नहीं किया, अजोका इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में बहुत किया है मैंने। Inspired हैं by some true cases जो the late आसमा जहांगीर के life के हुए थे. So in particular ये दो cases पे and very famous cases पे ये focus करता है. तो majority of ये जो ladies हैं, ये इनका first major play होगा. And that's a very positive thing कि young educated girls and ladies are coming into this field. And वो जो एक पुराना एक ज़माने में conception होता था, वो अब काफ़ी हद तक change हो भी चुका है और ग्रेजुअली और भी बेहतरी की तरफ वो जा रहा है। कैरेक्टर जो था वो मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, जो कि एक ऐसी लड़की है जो इंडिपेंडेंट है और अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहती है और अपने हिसाब से वो अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहती है। म्यूजिक जो यंग लोग हैं उनका ये एक बेनिफिट है कि ठीक है वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, सो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन पर, लेकिन वो फिर आप उनको किसी भी तरह मोल्ड आप कर सकते हो और वो ज़्यादा उनमें पैशनेट होते हैं, विलिंग टू लर्न होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं।